तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने मशीन का प्रिंट जो भी निकाला, अभी देख पा रहे हैं ना नीचे की तरफ बैकग्राउंड आ रहा है, मैंने मशीन के अंदर सेटिंग्स से है इसको लाइट किया हुआ है तब भी इसमें बैकग्राउंड आ रहा है। सेटिंग दिखाते हैं आपको कि मैंने इसकी सेटिंग में क्या क्या किया है। अब देखिए डेवलप मैंने बेस को 260 करके रखा है और इसमें भी इसको इसकी वैल्यू 0 है और एडजस्टमेंट लेजर की वैल्यू भी 255 है, तब भी हमारा प्रिंट लाइट नहीं हुआ, मतलब बेस ख़त्म नहीं हुआ। बेस कैसे आ रहा है, हमारा लेज़र गंदा है इस वजह से बेस आ रहा है। तो चलो लेज़र खोलते हैं, और लेज़र खोलते हुए अब हम आपको छोटा सा म्यूजिक इंजॉय करिए। लेज़र खोलते हो तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लेज़र जब आप बाहर निकाल रहे होंगे ना तो इसके जो कनेक्शन है ना उनको विशेष ध्यान देना है। अभी देखिए ये मेन कनेक्शन इसका है, इसको ये लगा होता है ना स्ट्रिप पे, इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींच लेना है और ये दोनों को ऊपर तक कनेक्शन पुश करके बाहर निकाल लेना है। एक कनेक्शन आपने पहले खोल लिया था और एक खोल लेना आराम से बस। अब आप इसको ध्यान से आप देखते रहिए कि हम इसमें क्या क्या करते हैं। तो भैया इसको हटाएंगे, जैसे सारे स्क्रू खोलने के बाद इसको हटा के देखेंगे, ये सामने हमारी पॉलीगन दिख रही है, पॉलीगन मोटर जिसे हमें साफ करना मेन हमारा यही है। अभी गंदगी दिख रहे होंगे ना साइड में, एजेस में ये वाले धूल जो चिपकी हुई है इसके, इसको ही साफ करना है। 1, 2, 3, 4, 5 साइडें हैं जो हमको इसको साफ करनी है हमारे पॉलीगन की, जिसको डायमंड बोलते हैं कुछ लोग, इसको पॉलीगन बोलते हैं, जैसे कि पॉलीगन मोटर होती है। और इसको हम अच्छे से बिल्कुल क्लीन करेंगे और पूरा प्रोसेस आप समझिएगा कि कैसे कैसे हमको इसको क्लीन करना है, ठीक है जी। अभी एक सारा ये हमारा गन का मिरर है, सारी चीज साफ, सबको देखना है कि कौन सा मिरर गंदा है इसमें। ये जो मिरर लगे हुए ना, इन सारे मिरर को भी हम साफ करेंगे, और कैसे साफ करेंगे, हम आप साफ करेंगे बट से, जो कान साफ करने बट नहीं हो तो इससे हम इसको साफ। आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है जैसे कि आपको बिल्कुल हर आराम से इसको पकड़ लेना है। अभी देखिए जैसे क्लीन करेंगे इससे, कैसा भी गंदा दिख रहा था क्लीन हो गया। इसके चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे हल्के हाथों से घुमा के इसको क्लीन कर लाना इसकी पॉलीगॉन को, ठीक है। इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। उसके बाद जो मिरर लगे हुए हैं इन मिरर को भी क्लीन करना है, मैंने बोला था ना कि इन मिरर को भी क्लीन करना है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन करना है। एक मिरर ये, एक मिरर इधर लगा, मतलब टोटल जितने भी मिरर आपको दिख रहे हैं ना, अच्छे से बट से, या आपके पास कॉटन का कोई सॉफ्ट कपड़ा हो उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। आपके क्लीन करने के बाद इसको देखिए, आप सामने गंदगी दिख रही होगी, आपको दिख रहा है ना, इसके ऊपर भाप जैसा जम जाता है, ये जितना अंदर होता है ना इतनी स्पीड में काम करता है। तो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद हम लेज़र को पैक करके मशीन में फिर लगाते हैं। तो चलिए ये प्रोसेस हम आपको थोड़ा स्पीड से दिखाते हैं।
आप चलिए लगाते हैं अपने लेज़र को, और लेज़र को लगाते वक्त आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें आपको इसका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर रूप से करना है। कनेक्शन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कोई तार गलत ना जाए या कोई कनेक्शन छूट ना जाए। अगर कनेक्शन छूट जाएगा तो मशीन में एरर आएगी और आप परेशान होंगे। और ये जो कनेक्शन है इसको बिल्कुल ध्यान से लगाना है, इसके जो वायर होते हैं ना बहुत पतले होते हैं, ज़रा सा ही खींचने पर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव केबल होती है, तो इसको ध्यान से ऐसा लगा के और इसको अपने जगह पर आराम से बैठा देना है, और ये जो सारे वायर हैं इनको अपनी पोजीशन पर रखते हुए ताकि ये कहीं अंदर जाते हुए फंसे ना, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इसको आप अंदर से अच्छे से बैठा लेंगे। तो चलो इसको लगाते हैं और मशीन ऑन करके आपको कॉपी दिखाते हैं, ठीक है। अब इन सबको जो वायर है ना इसको उसकी पोजीशन में रखेंगे ना तभी फंसेंगे नहीं अंदर जाते वक्त, तो ना अंदर जाते वक्त कहीं फंसेंगे। ये अपनी पोजीशन में बैठ जाएगा, अब इसमें स्क्रू लगाते हैं। चलो मशीन को ऑन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसका अब प्रिंट कैसा हुआ। ऑन कर दिया मशीन को और वेट कर लेते हैं क्योंकि मशीन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, हमारी एडवांस मशीन के ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वेट करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो मशीन हमारी ऑन हो चुकी है, बारी है प्रिंट आउट चेक करने की। फोटोकॉपी मैंने सीसी पर ऑलरेडी रख की है और आप उसको निकालना है, तो मैंने बटन दबाया, ये हमारा स्कैन हुआ और ये हमारा फोटोकॉपी निकला। तो अभी मैं दिखाता हूँ इस कॉपी की क्वालिटी क्या है। अभी देखिए बिल्कुल यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी ना वो लाइन काली वाली जा चुकी है, और हम इसमें थोड़ी सेटिंग करते हैं इसको प्रिंट डार्क करने के लिए क्योंकि मैंने लाइट कर रखे थे। इसकी डेवलप को हम 260 से 220 करते हैं, उसके बाद हम यही सेम कॉपी निकालते हैं। जी देखिए काफ़ी डार्क हो गई, और ये जो लाइन आ रही है ना इधर उधर वो लाइन तो हमारे ओरिजिनल में ही है, बट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था ना कि वो कॉपी में बेस आ रहा था, बैकग्राउंड आ रहा था, बैकग्राउंड क्लियर करना था, वो बैकग्राउंड हमने क्लियर कर दिया। आपकी ओरिजिनल और आपकी फ़ोटोकॉपी एक ही जैसी है, बाकी जो इसमें लाइन आ रही है वो हमारे ओरिजिनल में है और उससे कोई इशू नहीं है। वो फोटोकॉपी में ऐसे कभी कभी ना ऊपर की तरफ करके रख दो तो आ जाती है। तो अभी हम इसको पैक करते हैं, और एक हमारा जो मतलब आपको बताना था कि ना कि अगर आपकी मशीन में भी कोई बैकग्राउंड जैसी कोई चीज़ आ रही है तो आप उसको कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो इस समय हमारा भी वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर आपकी मशीन में किसी भी टाइप का बैकग्राउंड आ रहा है और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इस वीडियो की मदद से आप अपने जो मशीन की सेटिंग है वो भी सेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस पर दूसरा कोई वीडियो चाहिए जिसमें हम आपको इसकी प्रॉपर सेटिंग बताएं तो उसके लिए नीचे आपको कमेंट में जाकर अब लिखना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी मशीन में किस चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है। आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देख के उस पर वीडियो अगला हमारा जो वीडियो होगा उस पर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।